नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि भाई ये जो एंटीलिया का मामला है बहुत तरीके से पेचीदा होता जा रहा है। हाँ, ये बहुत बुरी तरीके से पेचीदा होता जा रहा है। अब भाई सचिन वाजे गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बाद रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार कर लिया। ये दो तो भैया सीआईयू के गिरफ्तार हो जाते हैं, अब ये तीसरा, जी हाँ, एक और ये तीसरा सुनील माने को गिरफ्तार किया गया। और ये आज इसको एनआईए लेके गई है इसके दफ्तर जो कि कांदीवड़ी में, और वहां पे रेड मारी है। तो वहां पे रेड चल रही है और वहां पे इसकी गाड़ी जो थी उसको जब्त कर लिया गया और बहुत से दस्तावेज जब्त किए गए। तो आज ये बुरी तरह से फंस चुका है सुनील माने, और रेड बहुत तेजी से चल रही है क्योंकि आपको पता है भाई 28 अप्रैल तक की कस्टडी दी गई है एनआईए को, और आगे जाके इसको एक्सटेंड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे देखना रहेगा। बट माने जो है वो बुरा फंस चुका है, उसकी गाड़ी जब्त कर ली और बहुत से दस्तावेज जब्त किए। तो इससे क्या सबूत आगे निकलने को मिलते हैं देखा जाएगा। बट एक चीज समझ में आ गई कि ये जो एंटीलिया का केस है, उसके बाद मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया, इससे एक चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि ये कोई साधारण केस नहीं है। इसमें कोई साधारण सा एक मामूली सा तुच्छा सा एपीआई या के सचिन वाजे ये सारी चीजों को अंजाम दे रहे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई प्रभावशाली व्यक्ति इसमें लिप्त ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इनका एक और ये प्लेयर, बिग प्लेयर सुनील माने, एक स्मार्ट सा दिखने वाला, सुंदर सा, अरे भैया ये व्यक्ति इतने गलत काम कर रहा है, ये वो व्यक्ति है जो भाई सचिन वाजे के साथ उठता बैठता इन गलत कामों को अंजाम दे रहा था, ये भी एक तरह का प्लेयर है क्योंकि एक्सपर्ट है। ठीक है, आज के युवा देखो क्या कर रहे हैं, आज के युवा पुलिस फोर्स में जाते हैं और फिर गलत चीजों को अपनाते हैं क्योंकि सरकार वहां की ऐसी चल रही है, और सरकार ऐसी चल रही है तो उनके राज में क्या होगा, क्योंकि जो सरकार बैठ के वसूली कांड करेगी, जो सरकार बैठ के गलत चीजों को अंजाम देगी, जो सरकार बैठ के पावर का मिसयूज करेगी, जो सरकार बैठ के अर्णब गोस्वामी जब सही चीज पर कवरेज करेंगे, सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो वो सरकार उनको दबाने के लिए हर संभव गलत हथकंडे अपनाएगी। तो फिर अब यही होगा ना। तो आज ये सुनील माने एनआईए के बहुत बुरी तरह रेडार पे फंस चुका है, इसके भाई ऑफिस में रेड चल रही है अभी, और अब देखते क्या होता है। तो आज उसको सुबह एनआईए लेके गई अपने साथ गाड़ी में बैठा के, और वहां पे रेड मारी गई। ये तो छानबीन चल रही है उसके द्वारा बताई गई चीजों के हिसाब से, और देखते हैं आखिर क्या निकल के आता है। बट एक चीज समझ में आ गई, देखो आज हमें ये चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट और क्लियर हो जाती है कि महाराष्ट्र में हमने एक चीज बहुत अच्छे से देखी, 14 जून 8 जून हमें अच्छे से आज तक याद है। दिशा सल्यान की मृत्यु होती है, फिर सुशांत की मृत्यु होती है, और पूरी भारत की जनता ही नहीं पूरा विश्व भैया इस पे बात कर रहा था कि यहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत गलत हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन कोई नहीं देखता। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर तो साफ मना कर देते हैं, भाई कुछ भी हो जाए यहाँ पे तो सीबीआई भूल जाओ। लेकिन आज क्या हो गया भाई, सुशांत केस में तो सीबीआई आ गई, बट आपके केस में भी सीबीआई आ चुकी है, आपकी भी सीबीआई जांच हो रही है, इनके भी बंगले घर हर जगह रेड मारी गई। नागपुर में बैठे थे मस्ती कर रहे थे, लेकिन वहां पे भी रेड पड़ गई, मुंबई के इनके आवास पे रेड पड़ गई। तो ये बुरी तरह फंस चुके हैं। अब बहुत जल्द उद्धव ठाकरे जी का भी नंबर आएगा, क्योंकि ये भी यही बोलते फिर रहे थे ना कि भाई ये मर्डर नहीं सुसाइड है, और अपने बच्चे को भैया क्लीन चिट भी इन्होंने बहुत अच्छे से दी थी, तो लोगों की नजर तो पड़ती है और लोगों को यह भी समझ में आता है कुछ गलत हो रहा है। तो देखो यहां पे एक बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों के गलत कृत्य हैं, गलत कर्म हैं, जिसका ये अब बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं। और ये बहुत सही है, ये होना चाहिए, क्योंकि आप जब गलत करोगे तो आप उसका भुगतोगे, आपको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि भैया कर्म फल का खेल बहुत ही गंदा है। तो दोस्तों अब तक एनआईए ने 5 गिरफ्तारी कर ली है इस पूरे केस में। अगर हम इस चीज को देखें, पहली एक गिरफ्तारी होती है सचिन वाजे की गिरफ्तारी, और उसके बाद विनायक शिंदे, नरेश जो बुकी था उसकी गिरफ्तारी, फिर ये रियाजुद्दीन काजी की गिरफ्तारी, और अब ये सुनील माने की गिरफ्तारी। और यहां पे एनआईए का ये भी कहना है सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि अभी एनआईए 4 से 5 गिरफ्तारियां और करेगा। तो इसको आप क्या समझ रहे हैं कि अभी 4-5 गिरफ्तारी और आनी, और इससे एक चेन बनेगी, एक कड़ी बनेगी, जो कि एक गॉडफादर की तलाश चल रही थी। क्या वो गॉडफादर जल्दी गिरफ्त में आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप बताओ कमेंट करके, क्या एनआईए उस गॉडफादर को पकड़ पाएगी जो मेन सूत्रधार है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मामूली सा एक एपीआई इस चीज को अंजाम नहीं दे सकता। अगर यहां पे कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, पहली चीज कि वो कौन है गॉडफादर आपके अंदाजे से, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताओ। और दूसरा, क्या आपको लगता है एनआईए उस गॉडफादर को पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी, क्या राजनीति यहां पे रंग लाएगी या फिर इंसाफ होएगा? बाकी मुझे बिल्कुल लगता है कि यहां पे इंसाफ होगा। बाकी दोस्तों आप लोगों का मत मैं जानना चाहता हूं, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता लग सके कि आखिर आपके बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, वो अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे नीचे दिख जाएगा। जय हिंद।